व्यूअर्स, अगला मैच स्टार्ट हो रहा है, वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 25 का ये मैच है जो मैं इस वक्त आपको लाइव दिखा रहा हूँ। जमशेद है जी, एक बच्चा सुहावेश है, उसकी वालदा बाहर उसका इंतजार कर रही है, वो बाहर अपनी वालदा से रहा। बॉलर वार्ड नंबर 13 बैटिंग कर रही है बैटिंग के लिए, और वार्ड नंबर 25 जो है वार्ड नंबर 25 गुलफाम कासिम शाही फेस करेंगे आफताब। कितना मंजर बना रहा है हाफिज मंसूर, आइएगा नहीं सामने 30 सेकंड होए लेके करो। पहली बॉल के लिए, पहली बॉल है और ये लिखी गई है थर्ड मैन की तरफ गई है। नील भाई वेलकम, आप इसको काइंडली शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट भी करें, अगर क्लब में बैठे हैं तो इधर आ जाएं, लाइव आपको दिखाएं। एक शानदार अनाउंसमेंट वार्ड नंबर 25 के ऑनर की तरफ से के चले बॉल देखते हैं, बॉल फेंक दी, चाहे कोई भी टीम जीते क्योंकि ये डीपीएल है, टस्का की तरीके मैचेस है, ये टस्का के प्लेयर है। चौधरी आबद की का मैच जो है वो जीत लिया चौधरी आबद ने, पांचवें ओवर में ही 92 स्कोर जो है टारगेट किया है। चौधरी सनी मैन ऑफ द मैच हुआ है जो चौधरी इसका यूसुफ का बेटा है। वाइट बॉल हो गई, जो भी टीम जीते चाहे गुलफाम साई साहब की जीते या उनके मध्य मुकाबले, जो भी टीम जीतेगी 10,000 रुपया गुलफाम कासिम साई जनरल कांस्टेबल दिया टस्का की तरफ से उस टीम को दिया जाएगा। एक दफा गुलफाम कासिम साई के लिए तालियां। टीम स्पिरिट गवर्नमेंट डीपीएल मिस किया, लीड कर दिया स्पॉन्सर बाय साहब उस्मान खालिद गवर्नमेंट टस्का प्रीमियर लीग, इसको ऑर्गेनाइज किया है बल्दिया टस्का, चेयरमैन बल्दिया टस्का ने साई साहब और उनकी टीम ने कल साहब काफी छक्के और साई का जो यहाँ हमारे बॉलर आए बॉल की अच्छी शॉट, बहुत अच्छी शॉट लेकिन एक रन ही बना। यार तू जरा साइड तो जा प्लीज यार, तो भाई साइड तो यार साइड पे जा प्रीमियर लीग अपने अरूज पर। बीट किया मंसूर साहब की तरफ से, हाफिज मंसूर साहब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और ये माशाल्लाह हाफिज कुरान है और अयूब साकिब साहब मेरे बड़े अच्छे प्यारे दोस्त हैं मौलाना फिरोज साहब के बेटे, इस टीम 25 नंबर वार्ड की इस टीम की सबसे बड़ी खूसियत ये है कि इसमें तीन हाफिज कुरान जो हैं वो खेल रहे हैं और सबका तल्लक अयूब साकिब साहब और मौलाना फिरोज साहब के मदरसे से है। गुलफाम कासिम साही जिनकी तरफ से अनाउंसमेंट है कि कोई भी टीम जीते, बहुत अच्छा अच्छी शॉट पॉइंट की तरफ खेला है, एक ही रन बना है और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा भी और ये ओवर थ्रो का एक और स्कोर में एक और स्कोर का इजाफा। अंपायर का फैसला हतमी होगा, गुलफाम कासिम साई अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड में मौजूद है, उनके साथ मुश्ताक साहब वो भी काउंसलर है बल्दिया डस्का के। लिया साहब है भाई रुको जरा, बंदे थे पीछे कर चुके हैं 10,000 दूर में डस्का प्रीमियर लीग अपने अरूज पर सिंगल अंपायर को फैसला लेने में डिसीजन करने में कोई गलती है नहीं। अंपायर साहब अंपायर का फैसला आदमी होगा, तमाम खिलाड़ियों से गुजारिश है एक स्कोर है या दो कौन सा ना किया जाए, एक स्कोर है या दो अंपायर साहब, दो स्कोर काउंट होगा।
एक ओवर के अख्ताम पर 7 रन, वार्ड नंबर 13 का पहले ओवर के अख्ताम पर 7 रन। आफज मंसूर साहब की अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छा ओवर किया आफज साहब ने और 7 रन दिए। बॉलिंग के लिए आए हैं अफजल, हमें एक्सप्रेस कर रहे हैं अफजल को। आए बॉल की और ये मिड विकेट अच्छी शॉट। ज्यूरी की तरफ से एक जरूरी ऐलान कि कोई भी बात हो कैप्टन के अलावा कोई प्लेयर अंपायर के पास नहीं जाएगा, अगर वो जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई प्लेयर अंपायर के पास नहीं जाएगा, सिर्फ कैप्टन जाके उससे बात करेंगे। सच कोई ज्यादा पर्चा, तमाम खिलाड़ी से गुजारिश है कि कोई भी मसला हो अपने अपने फील्ड में रहे हैं। बॉल की कवर चार्ज किया है, बहुत अच्छा अच्छी शॉट है और बहुत अच्छी फील्डिंग की है, दो स्कोर ही बने हैं, बहुत अच्छी फील्डिंग की और ये ओवर थ्रो अच्छी फील्डिंग को क्रॉस कर गई और इस तरह 4-2 स्कोर हो गए। जी मंसूर साहब ये कितना स्कोर है? 6 रन। बाकर अब्दुल्ला जलाओ, 2-6 में चला गया मिस फील्डिंग की वजह से। गवर्नमेंट का प्रीमियर लीग तमाशाइयों में जोश है। बैटिंग 13 नंबर वार्ड कर रही है और बॉलिंग 25 नंबर वार्ड कर रही है। 13 के दरमियान एक मैच होता हुआ सलमान असलम घूमते हुए आए बॉल की लीड किया और ये वाइड बॉल है, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। वाह जी वाह, सलमान असलम विद हिज बेबी इन द ग्राउंड क्लैपिंग फॉर अ लिटिल बेबी, क्यूट सलमान अंसारी। बॉलर आए बॉलिंग कंप्लीटली बीट हुए हैं और मैं एक दफा फिर बताता चलूं कि गोरमे का पैच कैच पकड़ने वाले को बाउंड्री से बाहर तमाशाइयों से वो भी लगभग करार है। और इसके साथ साथ चाहे कोई भी जीते वार्ड नंबर 4 का, भाई मुझे शेड्यूल का पता नहीं है कि वो कब मैच है, किस दिन मैच है। शेड्यूल मिलेगा तो ईटिस का पेज पे आपको मिल जाएगा। बॉलर आए बॉल की कवर ड्राइव फिर के एक दफा आया, अच्छी बॉल अच्छी फील्ड। ये निकी लीग साहब को बताना चलूं कि जब गुलफाम कासम साई साहब की टीम प्लेट करेगी बैटिंग करेगी तब बहुत बड़े इनाम मिलेंगे उस टीम को। राणा मुश्ताक साहब जनरल काउंसलर बल्दिया डस्का की तरफ से बड़े इनाम का ऐलान मेरे पास पहुंच चुका है और मैं ये आप सबको बताना चलूं कि बहुत ज्यादा इनाम रखे हैं उन्होंने अपनी टीम के लिए, गुलफाम कासम साई की टीम के लिए। बॉलर आए अफजल बॉल की और वाइड बॉल अंपायर की तरफ इशारा देखने पड़ेगा, दूसरा रन तेजी से चुरा लिया फाइन। जी इशारा और 2 स्कोर। बट साहब मुझे एक्चुअली पता ही नहीं है कि कौन सा शेड्यूल कैसे है, ना इन्होंने अभी तक अनाउंस किया हुआ है, नहीं तो मैं आप सब दोस्तों को जरूर बताता कि कौन सा मैचअप है। पूरे टूर्नामेंट में शेख शाहब रहमतुल्लाह यूथ काउंसलर, उनको हम पंडाल में खुश आमदीद कहते हैं। शेख साहब आते थे, सिर्फ वार्ड के डस्का सिटी के प्लेयर्स हैं, बाहर का कोई नजर नहीं आ रहा। तालियां, बहुत ऊंची शॉट लगाई है और ये बहुत लंबा छक्का है, बहुत बड़ा लंबा सिक्स है। दूसरे ओवर में पहला छक्का वार्ड नंबर 13 की जानिब से, वार्ड नंबर 13 की जानिब से दूसरे ओवर में पहला छक्का। वार्ड नंबर 25 से मायानाज प्लेयर मोहम्मद अफसर, बहुत शुक्रिया वहाँ पर साहब। दशका की तारीख में बहुत बड़ा नाम मोहम्मद अफसर और ये एक और छक्का है, बहुत लंबा छक्का है।
कोई लिहाज नहीं किया। अदनान यूसुफ खोकर साहब, यूसुफ नवाब प्राइवेट लिमिटेड, थोड़ा नाम की है अवैस साहब, ये अवैस हैं जी जो प्लेयर है। राणा मुश्ताक साहब के इंतजाम से ऐलान है, जो छक्कों की हैट्रिक करे उसको 5,000 रुपया, दो छक्के हो गए हैं, लास्ट छक्का दरकार है अभी जीतने के लिए, दो ओवर हो गए हैं। अवैस बैट्समैन का आया जिसने दो छक्के लगाए हैं, अभी ओवर में चेंज हो गया है, तीसरा छक्का जब लगाएंगे अगर लग गया तो काफ़ी ज़्यादा प्राइजेज हैं, 10,000 भी है, 5,000 भी है। शफकत भाई हैं या शफकत भाई हैं, हम भी डस्का से बहुत प्यार करते हैं आपकी तरह, इसीलिए आपको ये लाइव दिखा रहे हैं इस वक्त। शाजल भट्ट साहब स्कोर करते हुए, एक दफा फिर हाफिज मंसूर साहब बॉलिंग के लिए, हाफिज मंसूर साहब अयूब साकिब साहब के मदरसा के भाई हैं, उनके हिफ्ज़ किया हुआ है, तीन हाफिज कुरान है, मैं पहले भी बता चुका हूँ इस टीम में तीन हाफिज कुरान जो मैच खेल रहे हैं, पहले बॉलर भी हाफिज थे और अब भी हैं, और ये मिड फील्डर की तरफ उठा दिया और फील्डर ने कैच की कोशिश की लेकिन वो इसमें रन आउट किया, चांसेस हैं लेकिन दो स्कोर हो गए। हैट्रिक के लिए जो एक सिक्स चाहिए वो दूसरी तरफ मौजूद अवैस हमाद साहब, आप अगर डस्का अपना शहर को सोदिया में देख रहे हैं तो काइंडली इसको शेयर भी करें और दोस्तों को इनवाइट भी करें ताकि आपके शहर की पॉजिटिव एक्टिविटी पूरी दुनिया में देखी जा सके। ये स्ट्रेट ड्राइव किया है, बिल्कुल सीधी शॉट है और सिंगल ही लगेगी, एक स्कोर ही बना, शॉट बहुत अच्छी थी लेकिन फील्डिंग भी उससे भी अच्छी थी, खासी जज्बाती अंदाज में खेलते हुए। वाकई मुझे भी आईपीएल और पीएल और पीएसएल सबसे ज़्यादा मज़ा ये डीपीएल से आ रहा है, डस्का प्रीमियर लीग से, क्योंकि मेरे शहर के खिलाड़ी हैं, मेरे शहर की आवाम है जो देख रही है, ये रीड किया और ये बैट्समैन समझ ना पाए और राणा साहब का 5,000 जाते जाते वापसी हो गया और साहब का छपा बच गया। यासर साहब आपको मैं वेलकम कर रहा हूं कि आप डस्का नवाज शरीफ स्टेडियम अपने ग्रीस में देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप शेयर भी करें इस पोस्ट को और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट भी करें ताकि वो भी आपका शहर देखें, वहां होने वाली इस वक्त डस्का प्रीमियर लीग को लाइव देखें। 4 रन हो गए इस दौरान, पाकिस्तान से बाहर जो भी दोस्त हैं मैं उनको वेलकम कर रहा हूँ। मेरा ईडस का पेज जो है वो ज़्यादातर मोस्टली जो फॉरेन में है मेरे सिटी के लोग, मैं उनके लिए ये सारा कविश कर रहा हूँ कि वो उधर बैठ के जो अपने सिटी को मिस कर रहे हैं, जो अपने सिटी के इवेंट्स को मिस कर रहे हैं, मैं उनको लाइव दिखाऊँ। आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप इसको शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट भी करें और प्राउड फील करेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा छक्का है, बहुत ऊंची शॉट लगाई है और आप प्राउड फील करें कि आपका डस्का जो है ना पूरी दुनिया में पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए चल रहा है। मून शेख साहब, कोई शक नहीं कि साडा शहर जिहड़ा ग्रेट है, ग्रेटेस्ट है। वहा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हम हैं और हमारी वजह से ये सिटी है और सिटी की वजह से हम हैं, मुल्क है, सब कुछ है। ऑफर जो है वो चेयरमैन बल्दी ऑफर खत्म करना नहीं चाहते थे, वो आप चंद दोस्तों की बदतमीजी की वजह से यारा पीछा हो गया, हमें महदूद करना पड़ी। लाल शर्ट डाले थे,
बदनज़मी की वजह से असल में आपको इनाम इनाम जरूर मिलेगा, लेकिन बाद में चूंकि छीना जब्ती की हालत में आपके हाथ भोजन नहीं आएगी। ये मैचेज जो हो रहे हैं ये तकरीबन 5 मैच डेली हैं, तो मैं चूंकि मेरी भी थोड़ी सी मसरूफियत होती है ऑफिस में, वहाँ से फ्री हो के फिर मैंने आना होता है, तो पहला मैच मैं कवर नहीं कर सका। अभी तीसरा मैच है, इसके बाद 2 मैच और होंगे, 6-6 ओवर का ये मैच है और 1 घंटे में तकरीबन ये ख़त्म हो रहा है एक मैच जो है। जी जी, पूरा पंजाब पूरा पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान है, उसके बाद पंजाब है, उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट सियालकोट है, फिर डस्का सिटी है, इसलिए हम जो है ना पूरे पाकिस्तान को ही अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस वक्त जो व्यू है, जो चल रहा है इस वक्त इवेंट, वो मेरे शहर डस्का में चल रहा है, इसकी मैं आपको लाइव कवरेज करके दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छे तरीके से कैसर मलक साहब वेलकम धद्दू बसरा साढ़े डस्के दे विच ही है, तो तुसी भी डस्के दे हो, जिथे भी तुसी आओ इनू शेयर करो, अपने फ्रेंड्स नू इनवाइट करो, लिंक शेयर करो। बहुत ऊंची शाल लगाई है और ये 6 रन है, बहुत अच्छा। ये जो कमेंटेटर साहब ये आवाज़ आ रही होगी, ये इनका काम है स्कोर बताएं, ये दूसरी बातें कर रहे हैं लेकिन स्कोर नहीं बता रहे। काफ़ी जज्बाती अंदाज में खेले, मेरी समझ से बाहर है कि इनको हर बॉल पे स्कोर भी बताना चाहिए, क्योंकि 6 ओवर का दूसरा मैच है। बहुत ऊंची शॉट है और ये भी 6 है, ये भी 6 है, बहुत अच्छी शॉट है। मैं प्लेयर का नाम पूछने की कोशिश करता हूँ कि उनका क्या नाम है। भाई की नाम है तेरा? हाँ आफ्ताब, हाँ ये आफ्ताब हैं जिन्होंने 2 छक्के लगाए हैं। ओ ये कैच, बहुत शानदार कैच पकड़ा है, बहुत शानदार कैच कीपर ने पकड़ा है, पहली विकेट हो गई। आउट होने के बाद ये प्लेयर की खुशी, भाई जी पिछा पिछा यो आ रही 12 बजे का मैच का चेयरमैन बल्दिया साहब, चेयरमैन बल्दिया साहब आपसे गुजारिश है आफर खत्म कर दें। वहाँ पर साहब आप लोगों की दुआएं हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, आप लोगों की दुआएं और हिम्मत और कमेंट्स की वजह से समझ लें कि घंटों ये खड़े होकर लाइव कवरेज करनी पड़ती है, लेकिन मेरी थकावट ख़त्म हो जाती है जब आप लोगों के ऐसे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। सब दोस्त यही कहते हैं कि आप, तुम्हारी हिम्मत है कि ऐसे खड़े हो के कंटिन्यू 6-6 घंटे मैं कवरी करता हूँ। आप अगर ईडस्का पेज को लाइक करें या ईडस्का यूट्यूब पे देखना चाहें तो वहाँ मेरे प्रोग्राम हैं जहाँ में जिसमें उसने किरात भी है, और पिछले महीने यहाँ कबड्डी के भी मैच हुए हैं, वो भी इवेंट हैं, वो भी आप देख सकते हैं लाइव के अलावा। स्लोली भी कराई है और इसमें रन आउट होने का खतरा, लेकिन बड़ी अच्छी तरह डेंजर एंड पे वो पहुंचे हैं बैट्समैन। उस्ताद मिठू साहब मेहरबानी कर दी, तुम इन शेयर करो, इन ज़्यादा तो ज़्यादा यारों अपने सेंड करो, इनवाइट करो उन्होंने, थोड़ी यह मेहरबानी है कि तुम अपना डस्का होर मजीद अपने दोस्तों दिखाओगे। मेरी तो कोशिश है मैं थोड़े तक पहुँच गया, अगों तुसा पहुँचना होर दोस्तों वहाना हो चीज़। कवर ड्राइव है,
और बड़ी अच्छी फील्ड की। हाफज साहब के भाई हैं, हाफज अयूब साकब साहब के भाई हैं, जिन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग भी करवाई है। 7 रन दिए थे पहले ओवर में। 4 ओवर के अंतिम पर स्कोर हो गया बढ़ता हुआ 13, वार्ड नंबर 13 का। वेरी गुड। सुमान सलाला से देख रहे हैं, पूरी दुनिया से देख रहे हैं। आप कमेंट्स देखें, आपको भी नजर आ रहे होंगे, व्यूअर्स भी नजर आ रहे होंगे। तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी यही होती है क्योंकि ईडस का पेज को ज्यादा लोग, जो फॉरन में डस्का के लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने लाइक किया हुआ है, वही ज्यादा देखते हैं। और आप सब की सपोर्ट मेरे साथ है, जिसकी वजह से मैं घंटों खड़े होके ये लाइव कवरेज कर देता हूँ। ये स्टाइलिश खान साहब नवाज शरीफ स्टेडियम है डस्का में, वहाँ ये लाइव मैच चल रहा है इस वक्त। राजा जी वेलकम, आपको ऐसे देख रहे हैं, अपने दोस्तों को शेयर भी करें और इनवाइट भी करें ताकि आपका सिटी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और यहाँ मैं ये कहना नहीं भूल रहा कि ये जो आप माहौल देख रहे हैं, ये क्राउड देख रहे हैं, मैचेस देख रहे हैं, इनका पूरा किरदार अलहाज बाबा जी खालिद महमूद मक्की मदनी उनका है, उनकी काविश है, उनके बरखोदार उस्मान खालिद साहब, अस्तान खालिद साहब, उनका ज़ाती इंटरेस्ट है, जो 22 साल के बाद आज हमारा ये स्टेडियम आपको नज़र आ रहा है, पूरा भरा हुआ है। और ये काफ़ी बाहर थी बाहर, और 4 हो गया, 22 का 4 हो गया। अगर बॉलर ने बीट किया बॉल, जिसे कीपर भी बीट हो गया, थर्ड मैन भी बीट हो गया। सीमेंट पिच नहीं है, ये नॉर्मल पिच है, और ये इंटरनेशनल लेवल की पिच बनाई थी जब ये स्टेडियम बना था। चौधरी अरशद अली उस वक्त चेयरमैन थे बल्दिया के, जब ये स्टेडियम बना था तो उन्होंने ये पिच स्पेशली तौर पे, जैसे शारजा में है और दूसरे कंट्रीज में यहाँ की मिट्टी गई हुई है, ये उस मिट्टी से, नंदीपुर की मिट्टी से बनी है। बहुत ऊंची शाल गई है और ये बहुत लंबा शका है आफ्ताब का। कुछ शर्म करो यार, मोहम्मद नदीम और साहिब साहब मेहरबानी करें स्टेज के पास आए, दोस्तों इंतजार कर रहे हैं। बॉलर रही एक दफा फिर बॉल की, बहुत थैंकी और स्लो बॉल, मुकम्मल तौर पर समझ ना पाए इस बॉल का। गुलाम सही नहीं, गुलफाम सही है, उनको जरूर देंगे इंशाल्लाह। आपका सलाम। क्रिकेट की दुनिया में काफी खासा मशहूर नाम, पुराना डस्का से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अफजल अपने बॉलिंग की जो दिखाते हुए। एक अनाउंसमेंट जी, सैयद अरशद इकबाल की जानिब से दो छक्के इकट्ठे लगाएगा, उसको 1000 रुपया लगा देना। लेकिन अफजल की तरफ से अच्छी बॉल का मुजाहरा, बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही है इस टीम की तरफ से। अर्शद शाह की जानिब से दो गेंदों पर जो दो छक्के लगाएगा उसके लिए 1000 रुपया इनाम उसके लिए। गौरी साहब ये दूसरा माइक चेंज कर रही है हमारा, इसकी जगह पर दो गेंदों पर दो छक्के लगाने की सूरत में 1000 रुपया का इनाम। उस्मान खालिद साहब अगर आप देख रहे हैं तो आप काइंडली कमेंटेटर से कहें कि वो स्कोर बता दे, ओवर बता दे, दूसरी बातें कर रहे हैं और ये चीज़ बता नहीं रही। बड़ी अच्छी कोशिश है और कीपर ही जा रहा है फील्डिंग करने के लिए, लेकिन फील्डिंग नहीं हुई और 4 रन हो गए हैं। हल्का किनारा लगा और अंपायर का इशारा 4 रन। जी जी, ये पुराने डस्का की टीम है 25 नंबर जो बॉलिंग कर रही है। गेंद करवाते हुए आगे सामना किया,
लक्ष्य पर खेल दिया, दो रन लगे है। पांच ओवर हो गए हैं, 79 रन हैं और पांच ओवर खत्म हो गए हैं, आखिरी ओवर है। पांच ओवर के अख्ताम पर 80-90 बिटवीन जो रन हैं वो विनिंग गिने जाते हैं यहाँ इस वक्त। पिछले मैच में 92 का टारगेट मिला था जो 20 नंबर वार्ड ने, पांचवें ओवर में ही 92 का टारगेट चेज कर लिया है। काफी तौर पर परेशान और नाकाम रही बैट्समैनों को उनके रन्स। उस्मान मुगल साहब मेरी भी यही कोशिश है लेकिन मैं चूंकि ग्राउंड के अंदर हूँ वो बाहर बैठे हुए हैं, उनको बताना चाहिए हर ओवर में या हर बॉल तक स्कोर बताना चाहिए। मुझे जो इंफॉर्मेशन होती है मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक वो मैं पहुँचाऊँ। काफी फेमस उमर का तकाजा लेकिन जज्बात की अकासी और की फजीक करती हुई। अगला मैच मुजम्मल अहमद साहब आप भाई भी कह रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप कौन हो, मैं आपका भाई हूँ। ई डस्का पे ही लाइक करें, हर मैच के स्टार्ट में मेरा फेस भी आपको नज़र आ जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा मैं कौन हूँ। आखिरी ओवर है, ये क्लिक ही है और थर्ड मैन की तरफ गया और मेरा हेल्प, दो रन ले लिए उन्होंने, दो रन ले लिए। अंपायर का फैसला नॉट आउट है और क्योंकि अंपायर का फैसला हतमी है इसलिए मैं कमेंट नहीं करूंगा। आपके साथ उनकी खुशियों के साथ साथ ये कितना समय लगा इसे महसूस करते हुए। अख्तर सूद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप बस इतना पार्टिसिपेट करें कि आप इसको शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट भी करें ताकि वो भी देखें। और बहुत अच्छा मिड विकेट की तरफ खेला है और सिक्स है, सिक्स रन है आफ्ताब जो बहुत अच्छा खेल रहा है। अलियास मुगल साहब आगाज निशान साहब से रब्ता करें। हसन और कासम मल्ला रहमतपुरा वो स्टेज के पास तशरीफ ले आए। पहली बात जी मुजम्मल साहब इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, आपके कज़न हैं मेरे शहरी भी हैं, बहुत अच्छा। और यह सिक्स है, 100% सिक्स है, बहुत लंबी शाल लगाई है आफ्ताब ने फिर। आप ये नोट कर रहे होंगे मैं हर सिक्स के बाद मैं विकेट के तकरीबन पास आ जाता हूँ। स्टेज के साथ खाजा बिलाल घूमते हैं साथ और ये थर्ड मैन की तरफ गया है और अच्छी फील्ड की है और फिर अंपायर का फैसला नॉट आउट है मेरे। लौटना होगा वापिस पवेलियन की जाने और ये रन आउट हो गए हैं अंपायर का इशारा आउट और उस पर एतराज़ कर रहे हैं ये बैट्समैन के रन आउट नहीं है जबकि इंतजामिया ने कहा हुआ है कि अंपायर का फैसला हतमी फैसला है। अख्तर सूद साहब आपको वेलकम कर रहा हूँ, आप दुबई से देख रहे हैं, आप इसको शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट भी करें, लिंक भी शेयर करें चारों सुबह से आए हुए और अपने कमेंट दें कैसा फील कर रहे हैं आप देख के। अख्तर सूद साहब बड़ा अच्छा थ्रो था लेकिन ये लाइट वाले खंबे को लग गया। उनका पांचवा मैच मोहम्मद सलमान और नवीन महर की
एक जज्बाती एंट्री 95-95 स्कोर हो चुका है वार्ड नंबर 13 का। वेलकम शबीर भाई, बॉल आए बॉल की और ये लेग स्टंप की तरह से वाइट बॉल हो गया लेग स्टंप को भी। उमर मल्ला साहब वेलकम फ्रॉम सऊदीया। और ये ऊंची बॉल गई है और कीपर ने बड़ा इजी कैच पकड़ लिया। कीपर के हाथ में स्कोरबोर्ड पे इस वक्त 96 स्कोर, एक बाउंड्री, एक शतक। खत्म हो गई इनिंग्स, खत्म हो गई इनिंग्स। इधर आओ भाई, तुम आओ। आफ्ताब साहब आना, आफ्ताब साहब ना, आफ्ताब साहब हैं जो इस वक्त के मुझे अवैध साहब इस टॉप स्कोरर हैं जिसमें। हाँ जी, कैसा फील कर रहे हैं? जीतेंगे इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। बॉलिंग भी आप कराएंगे? नहीं, बॉलिंग नहीं, बैट्समैन। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, पूरी एफर्ट लगाएंगे। चले, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ये अवैध भाई थे, मैं आफ्ताब कहता रहा हूँ। विकेट की पोजिशन आपको दिखाता हूँ। हमारे हर दिल अजीज शख्सियत वीर, ये चांद है जो आज 12 या 11 का चौधरी अब्दुल युद्ध के नाम रहा। अंपायरों को पानी पहुंचाया जाए जुबैर साहब, लेग अंपायर जुबैर साहब जहां भी हैं। गवर्नमेंट अस्का प्रीमियर लीग चीफ एग्जीक्यूटिव साहब लाल उस्मान खालिद, एक तो फिर भी है कर रहा हूं, चेयरमैन बल्दिया हजात अब्दुल्ला खान, उनकी पूरी टीम, सबका एमपीए चौधरी मुमताज अली। इस मैच के अंपायर नवीद तुफैल और मंसूर चौधरी मंसूर अली हैं। की तरफ रवाना हुआ ये जुबैर साहब जहां भी हैं स्टेज पे आ गए। जुबैर जानी का फाउंडेशन ज्यूरी मेंबरान जनाब चेयरमैन बल्दिया खाजा अब्दुल्ला पाशी, जनाब मोहम्मद इमरान भट्ट साहब एडवोकेट, जनरल काउंसिल बल्दिया डिस्का, जनाब समी अल्लाह मल्ली एडवोकेट। एक इनिंग्स खत्म हो गई है, दूसरी इनिंग्स की तैयारी जारी है। बैटिंग के लिए टीम रेडी है। ये ज्यूरी मेंबरान थे, अब बैटिंग के लिए टीम आ रही है जनाब गुलफाम कासिम साई की। अब देखते हैं कि वो अपनी जल्दी आएगी, 25 नंबर बार वाले अपने ओपनर के लिए जल्दी ओपनर भेजे जी। नंबर वार्ड के फोकल पर्सन या उनके कैप्टन फील्डिंग भेजे हैं जल्दी करने वाला, टाइम की बहुत कमी है, आगे बहुत लेट हो चुका है। जुबैर अयूब खोखर यंग ब्लड जहां भी है वो स्टेज पे आ जाए। एक नंबर टीम के कैप्टन पहुंच चुके हैं। बैट्समैन पहुंच चुके हैं, फील्डिंग टीम भी अपनी पोजीशन में है। तैमूर ट्रैवल की तरफ से रन है, जो आउट करने में हैट्रिक करे, तीन खिलाड़ियों को इकट्ठा हैट्रिक करे, आउट करे, उसको तैमूर ट्रैवल की तरफ से 2000 रुपए इनाम का। नाम जी, की नाम है थोड़ा? अफजल जी, अफजल, अफजल थोड़ा सरफराज, सरफराज और अफजल हैं। बैटिंग एंड पे अफजल साहब हैं और बॉलिंग एंड पे सरफराज और अफजल। तमूर ट्रैवल की जानिब से जो भी खिलाड़ी 2 विकेट इकट्ठी लेगा उसे 5000 का इनाम। तमूर साहब चूरी के पास मौजूद, 2 विकेट लेने पर 5000 का ऐलान किया। वार्ड नंबर 1 से जफर इकबाल भट्ट फोकल पर्सन,
उनके कप्तान प्यारे साहिब तो लोकप्रियता की तारीख का मारूफ शादी भाई है तो सारे बहुत सारे थले बैठे थले पिछो उठाओ सारे थले बैठे भी नहीं नजर आ रहे पीछे हो यार सारी इतने तो एक और तुफान मौसम साई की टीम 25 नंबर वार्ड जितने छक्के उतने हजार हर छक्के पे 1,000 रुपया हर छक्का की तरफ से राणा मुश्ताक साहब जनरल कौंसल बल्दिया डस्का की तरफ से 25 नंबर वार्ड जो बैटिंग करने लगी है हर छक्के पे 1,000 जितने छक्के उतने हजार के कप्तान स्टेज के पास तशरीफ लाए ताकि टॉस करवाया जा सके बेहतरीन मैचेस जारी नवाशाहरास आवाम के लक्ष्य में काफी दशका की आवाम क्रिकेट के बुखार में मुबतला आवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर और इस मैच को खुसूसी तौर पर देखने के लिए राणा मुश्ताक साहब की तरफ से बैट्समैन को हर छक्के पे 1,000 रुपया 1,000 on every 6 राणा मुश्ताक साहब जनरल कौंसल की तरफ से वार्ड नंबर 25 के लिए हर सिक्स पे हर छक्के पे 1,000 रुपया देखते हैं बॉलर किस तरह फेस करते हैं या बैट्समैन अपना इनाम किस तरह वसूल करते हैं कितने छक्के होते हैं इंटरेस्टिंग है राणा मुश्ताक साहब की तरफ से ऐलान है जनरल कौंसल बल्दिया डस्का की तरफ से और चेयरमैन बल्दिया खाजा तोपाशी की तरफ से बैटिंग के लिए छन्ना और अफजल दोनों ही बड़े छन्ना फेस करेंगे छन्ना और अफजल और बॉलर है अमजद बॉलर है अमजद सुल्तान यार नजर नहीं आता दोनों ही बढ़िया बैट्समैन देख रहा होगा कि अमजद सुल्तान आज के सुल्तान ठहरते हैं और बालिक के रूप में दोनों बैट्समैन को चकर लेते हैं या फिर बैट्समैन की पहली बॉल व्यूअर्स हो रही है 18 नंबर कप्तान स्टेज के पास आए बॉल की बहुत पहली बॉल में बहुत ऊंची शॉट और ये सिक्स चलेगा पहली बॉल पे नंबर सिक्स वार्ड नंबर 25 के मेहरबानी उठे रहा देना अच्छा जाके जरा कमेंट्रेटर ने कहा थोड़ा थोड़ा जोर में ला लो ना किसी ने जो आज फर्स्ट स्टेज पे तशरीफ ले आए 1,000 हो गया जी मुझे नजर नहीं आ रहा बोल रहा है दूसरी बॉल के लिए और ये भी सिक्स है दो गेंदे दो सिक्स सरफराज ना आज ये सरफराज साहब हैं जिन्होंने दो गेंदों पे क्या तीसरा छक्का भी लगाएंगे व्यूअर देख रहे हैं आप बताएं इंशाल्लाह तीसरा छक्का लगाएं बहुत ज्यादा प्राइजेज है आपके लिए ऐलान ही बहुत बड़ा है इस ऐलान की वजह से आप देखें कितने छक्के लगते हैं 2,000 हो चुका है दो गेंदों पे दो छक्के हैं पहले ओवर पे इनामात की बरसात जोर में डस्का प्रीमियर लीग दो बॉले दो छक्के लाइट ऑफ हुई है अभी और तब तक मैं आपको अपने सिटी का चांद दिखाता हूँ अभी जनरेटर ऑन हो जाएगा और इंशाल्लाह तीसरा छक्का लगेगा जिस पे बहुत ज़्यादा प्राइजेज हैं
लाइव चल रही है वीडियो। हाँ जी अमजद यार मैं दूसरी खोल दें तो दूसरी बोतल पर हाँ भाई आया खोल देना की भी और लाइट आ गई जनरेटर ऑन हो गए और इंतजामिया की तरफ से लाइट जाने पर वापदा वालों को भी 1000 रुपया नगद दिया जी ठीक चेयरमैन बंदी की जानब से फिफ्थ थ्री नाइन इंतजामात तीसरी बॉल छन्ना फेस करते हुए बॉल फेंकी और ये ऊंची शॉट लेकिन सिक्स नहीं हो सका और एक स्कोर लग गया तीन बॉलों पे 13 स्कोर हो गया मोहम्मद अफशर पुराने वाले जीते नए वाले जीते जीतेंगे मेरे डिस्का वाले इंशाल्लाह और 18 नंबर को बैटिंग की दावत दी वार्ड नंबर 18 बैटिंग करेगी पहले फील्डिंग का फैसला किया है वार्ड नंबर 1 ने सजीव पता लगेंगे तो बहुत बॉलर आए अंपायर को क्रॉस किया बॉल फेंकी अंपायर का इशारा वाइड बॉल का इशारा वाइड बॉल बहुत प्रेशर है बैट्समैन बॉलर पे भी और 14 जो आज जफर साहब जहां पर है राणा अर्शद सहाफी का इंतजार कर रहे हैं यहां पर कमेंट्री बॉक्स में वो चिल्लाए तीन बॉलों पे 14 रन बन चुके हैं बॉलर एक दफा फिर अपने स्टार्ट काफी चक्कर खेलने वाले बहुत बढ़िया बैट्समैन मोहम्मद अफसल शानदार करेंगे अमजद सुल्तान का अच्छी बॉल की है समझ ना सके मैडम म्यूजिक मैडम एक लार है जी राणा मुश्ताक साहब जनरल काउंसलर वार्ड नंबर 24 बन रहे जो और ये बहुत ऊंची है थर्डमैन की तरफ है और ये चार और ये श्योर चार है क्योंकि थर्डमैन से जज ही नहीं हो सका हैट्रिक करेगा उसे राणा मुश्ताक साहब की जानिब से 25,000 रुपए राणा मुश्ताक 25,000 वार्ड नंबर 24 हैट्रिक में 25,000 राणा मुश्ताक साहब की जानिब से और हर छक्के पे भी 1,000 रुपया नगद इनाम चले मैं कोशिश करता हूँ सिली मिड ऑफ पे आने की वहाँ से अगर आपको फिर मैं बॉलर एक दफा फिर बॉलिंग स्टार्ट पे तेजी से भागते हुए आए अंपायर को क्रॉस किया बॉल फेंकी फिर थर्ड मैन की तरफ गई है बॉल मोहम्मद अफजल अपने रवायती रूप में नजर नहीं आ रहे बॉलर की काफी आखिर की बाले जो है जो बहुत अच्छी की हेलो ओवर हो गया तीर गेंद अच्छी रही स्कोर 19 स्कोर हो चुका है पहले ओवर में 19 स्कोर है वार्ड नंबर 25 का दूसरी इनिंग्स में पहले बैटिंग करते हुए दोनों प्लेयर्स का पहले ओवर में 19 स्कोर पहले ओवर के खिताब पर 19 अब का पहला ओवर खत्म यार इतों इंतजामिया कितने ने बंदे थोड़े जे साइड से करा दो आके इंतजामिया ने बंदे को गुजारिश यार इतना जोड़ा की आवाम इतना जो नवाज शरीफ जो बंदे थले बैठे मौजूद मैच को और खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हुए
करते हुए आइए अली सैयद गिलानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग हमारे वकील दोस्त स्टेडियम में तशरीफ लाए आपकी तशरीफ आपका शुक्रिया दूसरे ओवर के लिए बॉलर तैयार है वार्ड नंबर 25 और 13 के दरमियान ये तीसरा मजबूती बोलियां करिए बहुत शुक्रिया सजवे साहब आप इसको शेयर करें और ये बॉल ऊपर जो वाइड बॉल का इशारा इसको आप शेयर भी करें और इनवाइट भी करें फ्रेंड्स को ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें ये दो बॉल का इशारा भी बताएं पॉइंट की जानिब से बढ़ता हुआ स्कोर 20 वार्ड नंबर 25 इसके इलेक्टेड पर्सन राणा मरूफ सहाफी सूफी रिजवान तबस्सुम साहब उनको पंडाल में खुशामदीद कहते हैं और उनके साथ मियां यकूब साहब उनको भी पंडाल में खुशामदीद कहते हैं इनकी भागे राय से सूफी रिजवान तबस्सुम जी फ्री हिट हो गई मियां नो बॉल नो बॉल का इशारा आपने पहली बॉल नो और अब फ्री हिट का इशारा बॉलर है बॉल फेंकी या एक बार हुई है दूसरे ओवर का खेल जारी 21 स्कोर सामना करेगा गुलफाम शाही की तरफ से कल तो मैच का बोर ही शुरू में हो गया फिर कर देने चना छिके निकनेम है चना छिका वार्ड नंबर 22 से फोकल पर्सन हाजी मोहम्मद अशरफ थीम साहब उनके साहबजादे मलिक फिजान एडवोकेट वो तशरीफ ला चुके हैं और दूसरे फोकल पर्सन राणा रिजवान मोहसिन साहब वार्ड नंबर 22 से बहुत इजी लेकिन फ्री हिट ये फ्री हिट थी फ्री हिट थी इसका फायदा ये फ्री हिट थी इसलिए चांस मिल गया लाइफ मिल गई फ्री हिट ना होती तो छाया साहब के पवेलियन वापस लौट गए होते अफजल को भी अपनी रवायती बैटिंग यहाँ पे दिखानी होगी दशका की आवाम चहमकिया करते हुए मोहम्मद अफजल अच्छा फिर क्या आ गए हो वैसा खेल पेश करना होगा बॉलर आए बॉल फेंकी क्लिक किया और थर्ड मैन की तरफ गया है नाकाम बटा हुआ स्कोर 30 वार्ड नंबर 25 दोनों बैट्समैन छन्ना और अफजल क्रीज पर मौजूद दूसरा ओवर का खेल जारी दूसरा ओवर का खेल जारी तीन गेंदें अभी बाकी 30 की चुनौती बहुत अच्छा शॉट बहुत अच्छा शॉट बहुत लंबा व्यूअर्स मैं आपको एक बात और बताऊं ये टीम पूरी वार्ड 30 वार्ड में फेवरेट टीम है गिनी जा रही है जिसके मैसेज आज सुबह मुझे मिले थे कि जो गुलफाम शाही के 25 वार्ड की जो टीम है वो फेवरेट है तो अभी तक मुझे तो ऐसा ही लग रहा है बॉलिंग के लिहाज से भी और बैटिंग के लिहाज से भी और ये वाइट बॉल का इशारा वाइट बॉल वाइट बॉल का इशारा मोहम्मद अशरफ टीम साहब का नाजम
मुख्तार साहब अगर आप स्टेडियम में और मुझे सुन रहे हैं तो काइंडली आप बहुत ऊंची चार ये कैच हो सकता है और ये मिस जजमेंट हुई है जिसकी वजह से कैच नहीं हुआ, कैच ड्रॉप कर दिया। अगर जीते जाते हैं तो जो शेर खिलाड़ी होते हैं फील्डिंग में मौजूद उनके नामों पे जिनेंद्र राजपूत साहब आपका भी शुक्रिया, आप देख रहे हैं आप काइंडली इसको शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट भी करें। और रजवान मोहसिन साहब वो पंजाब में तशरीफ वाइट बॉल है, नवाशिफ स्टेडियम में मौजूद मेरे तमाशाई भाइयों आपसे मुहतमाना गुजारिश है भाई आप ही पीछे करते जाओ कि हमारी दो आंखें हैं और सामने की तरफ लेकिन हम ग्राउंड को देखें कि आपको देखें, आप इतना रास्ता रखें कि हम प्लेयर्स को देख सकें। बॉलर एक दफा फिर बॉलिंग एंड पे मौजूद, कल का शेड्यूल अभी थोड़ी देर बाद अनाउंस कर देते हैं। शेड्यूल इमरान भट्ट साहब के पास है, खेलते हुए सामना करेंगे किसी जमाने के मायनाज बैट्समैन मोहम्मद अफसल का। दूसरे एंड पर मौजूद छन्ना कमाल की बढ़िया बैटिंग, क्या रन सुगर रहा उनका बैट, बहुत ही अपना खाता खोल दिया और आखिरकार अफसर ने छह के साथ अपना खाता खोल लिया। पीछे से आवाम में एक बंदे ने कैच पकड़ लिया इनाम एंड पे भाई चौथी स्लीपर में खड़ा हूँ, इसके साथ अगर खड़ा होगा तो उनको कन्फ्यूजन आएगी, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इस एंगल पे आ जाऊँ। आप अगर इस एंगल पे आओगे ओवर हो चुका है, ओवर समाप्त, दो ओवर के अख्ताम पर 47 वो छुरी को नाम लिखा रहे हैं, तकरीबन इतना ही स्कोर तुम्हारा चाहिए, दो ओवर के अख्ताम पर 47 छन्ना तकरीबन दो ओवर में 47 स्कोर हो गया है और 92 गाल बन इन्होंने करना है। इस तरह से मुझे लग रहा है चार ओवर पे अप हो जाएगा। तीसरे ओवर के लिए 13 गुरफाम साई साहब आप जरा स्टेज पे हमारे पास करीब तशरीफ लाए, हम आपके टीम ऐसे बड़ा बेस्ट परफॉर्म कर रही है, आ जाओ जरा बॉलर ने शाहद रन उड़ने का खतरा गिर गए
छंदा भी गिरने से बच गए। वाइड बॉल का इशारा। डस्का प्रीमियर लीग, डस्का के सबसे बड़े स्टेडियम औद्रम नवाशी स्टेडियम से बदलाश डस्का की आवाज। ये फोर रुकिया और चौका, छह ओवर का मैच है और ये तीसरा ओवर जारी है और मेरा ख्याल है ये 52 या 53 रन हो चुके होंगे। तीसरा ओवर जारी है अभी। डीपीएल स्पॉन्सर्ड बाय डीपीएल डस्का प्रीमियर लीग स्पॉन्सर्ड बाय गोरमे, इसका इनेकाद करवाने में सबसे पहले जनाब साहबजादा उस्मान खालिद साहब। डस्का प्रीमियर लीग चीफ एग्जीक्यूटिव साहबजादा उस्मान खालिद, इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए टोटल स्पॉन्सरशिप, खूबसूरत टूर्नामेंट साहबजादा उस्मान खालिद गोरमे की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। जीतने वाली टीम को 11 खिलाड़ियों को 11 मोटरसाइकिल दी जाएंगी, लूजर टीम को 1,00,000 रुपया नगद इनाम दिया जाएगा। गोरमे डस्का प्रीमियर लीग अपने अरूज पर अपनी मंजिल की तरफ। हैदर अली साहब, ये नवाज शरीफ स्टेडियम डस्का में ये मैच प्रीमियर लीग हो रही है, ये दोबारा सिक्स है। छन्ना की तरफ से अंपायर को कहा गया था कि बॉलर को चेक करें, अंपायर साहब बैट्समैन ने त्रास किया था, इसको चेक करें जरा अच्छे तरीके से। और एक अच्छी शॉट का मुजाहरा करना चाहते थे। वाइड बॉल, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। बॉलिंग साइड को काफी मेहनत करनी पड़ेगी यार, तो फिर थोड़ा जा पीछे हो जाए यार। वो छोटे भाई ऐनक निकलो जा। गवर्नमेंट डस्का प्रीमियर लीग चेयरमैन बल्दिया हजात अब्दुल्ला पाशी अलहाज बाबा जी खान महबूब मक्की मदनी साहबजादा उस्मान खान है चीफ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट डस्का प्रीमियर लीग। 61.4 ओवर के अख्ताम पर अभी दो बॉलें रहती हैं। 61 रन हो गया, 61 रन हो गए, अभी दो बॉलें तीसरे ओवर की रहती हैं। चेयरमैन बल्दिया खाजा तो पाशी, हेलो अंपायर साहब, अंपायर साहब अंपायर जरा मतवजो हो प्लीज, अंपायर साहब आप जरा मतवजो हो। ये आपको जूरी की तरफ से ये हिदायत दी गई थी कि जो खिलाड़ी घुट मारेगा वो बॉलिंग नहीं कराएगा, और आप बॉलर को चेक नहीं कर रहे, बॉलर घुट मार रहा है, अगर इसने दोबारा घुट दिया तो बॉलिंग मार रहा है। चार बॉलें हो चुकी हैं अंपायर साहब, आपको एहतियात करनी पड़ेगी। साइड पे हो जाए प्लीज, वही ना साइड पे कर रहा है, कोई फिर नहीं है, आप इधर साइड पे कर रहा है। अंपायर के दरमियान मशवरा, ये पहली बॉल के आगाज पे ही बता दिया गया था अंपायर को कि बॉलर सही तरीके से बॉल नहीं कर रहा है, बॉलर सही तरीके से बॉल नहीं कर रहा था, आप अंपायर कंसल्ट कर चुके हैं। चेयरमैन बल्दिया खाजा तफरा पाशी, वाइस चेयरमैन बल्दिया मियां मोहम्मद नदीम मुगल साहब, मोहम्मद अलियास मुगल साहब, मोहम्मद इमरान भट्ट साहब, वो एक दफा ग्राउंड का आप विजिट कर रहे हैं, पूरी गांव का चक्कर लगा रहे हैं, तमाशाइयों से मिल रहे हैं। अंपायर साहब वाइड बॉल का इशारा। ओवर कंट्रोवर्सी हो रहा है, इसके बाद इस पावर को ओवर ना दिया जाए।
वाइड बॉल का इशारा, ग्राउंड खाली कर रहे हैं प्लीज। तीन ओवर हो गए हैं और मेरे अंदाज में 70 से ज्यादा स्कोर हो गया है। तीन ओवर में 76 स्कोर हो चुके हैं और इस वक्त 20 स्कोर चाहिए हैं 18 बालों पर वार्ड नंबर 25 गुरफाम साई साहब की बात को। छक्कों की बरसात, हजारों की बरसात। स्कोर चाहिए 18 बालों पे, 21 स्कोर 18 बालों पर, 21 स्कोर चाहिए। अच्छी बैटिंग का मुजाहरा छन्ना और अफजल। स्कोर इस वक्त छन्ना 38 पे खेल रहे हैं छन्ना और 31 पे खेल रहे हैं अफजल। बॉलर ने गवर्नमेंट टस्का प्रीमियर अरूज के साथ खूबसूरती के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा। ओवर टू अहमद मलाइज। शुक्रिया आवे साहब। एक मंत्री पक्ष में यहां पर मौजूद वार्ड नंबर 25 के फोकल पर्सन जी गुरफाम कासम साई साहब इस वक्त स्टेज पे हमारे कमेंट्री रूम में मौजूद है। बॉलर बॉल आई, बॉल की अच्छी बॉल डेप्थ में से निकाला छन्ने। गवर्नमेंट का प्रीमियर लीग तमाशाइयों का जमने गफीर आवाम की तरफ से पसीराई दूसरे पर कर दिया खाजात होदा का मुराद जितने सी अंपायर का इशारा वाइट बॉल कर दिया खाजात होदा पाशी और उनकी टीम अलहाज बाबा जी खालिद महमूद मक्की मंडी साहबजादा उस्मान खालिद साहब को आवाम की तरफ से भरपूर पसीराई उनकी काविशों को खराज तहसीन कि उन्होंने आज डस्का के ग्राउंड आबाद कर दिए और अस्पताल वीरान कर दिए। आवर मिशन इज कंप्लीट। हमारा मिशन था कि यहाँ की ग्राउंड हमारे शहर की नौजवान नशे से पाक मुआशरा वो यहाँ की ग्राउंड को आबाद करें। वो मिशन हमारा कामयाब हो गया। एक दफा इस पूरी टीम मेरी तुम्हारी यही सिर्फ भरपूर गुजारिश है कि भरपूर तालियां। फोन की शोल्डर राइट की वजह से नो बॉल दिया गया है। फ्री गुलफाम कासम साई 25 नंबर वार्ड के काउंसलर गुलफाम कासम साई के चेहरे पर मखसूस अब्दुल अजीज मुगल फोकल पर्सन वार्ड नंबर 13 वो भी अपनी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मैदान में मौजूद। व्हाइट बॉल का इशारा वाइड बॉल से कैंसिल। ये व्हाइट बॉल का इशारा है जनाब। फ्री हिट नहीं होगी। फ्री हिट नहीं होगी। इसके बाद ओवर टू आवर साहब एडवोकेट अब वो कमेंट्री करेंगे बॉक्स में। और एक दफा थे नो बॉल का इशारा। नो बॉल अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। व्हाइट बॉल लगता है इसी ओवर में स्कोर अप हो जाएगा। कभी नो बॉल है कभी व्हाइट बॉल है। अभी ये है अच्छी पे थर्डमैन की तरफ खेला है।
दोस्त अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, लगता है कि नॉट आउट है। दो रन तेजी से चुरा लिए और कह दिया अंपायर के पास सिर्फ कैप्टन जाएगा, दूसरा कोई खिलाड़ी अंपायर के पास नहीं जाएगा, वरना उनको जुर्माना कर दिया जाएगा। अहमद भाई आपके ख्याल के मुताबिक क्या सूरत हाल है इस वक्त मैच की? अभी 83 स्कोर है, ओवर कितने वक्त? 83 स्कोर हो गया। रोज न्यूज से राणा अफजल साहब, उनको पंडाल में खुशाम दीन कहते हैं। रोज न्यूज पे कल 10 बजे में ये मैच अंपायर को क्रॉस किया और बॉल फेंकी और एक शानदार स्कोर और चार रन क्रॉस करते हुए 4 रन। अंपायर का इशारा चौका। राणा अफजल रोज न्यूज से जीत के बिल्कुल करीब और राणा राणा इशार साहब दुनिया न्यूज से, मियां यकूब साहब मलक चांद 24 चैनल, उन तमाम को खुशामदीद कहते हैं। हेलो चेयरमैन बल दिया अगे आप ही कर वो लगे ने कर तो अंबले आने थे लोग पास पास मैच लाइव देख रहे हैं। अपने टस्का की आवाम के गल जी अलियास मुगल साहब उनके साथ ग्राउंड का विजिट करके आए हैं। अभी वापसी स्टेज पे बॉलर आए बॉल की अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, सही बॉल थी। स्कोर है जी 7-7। पहले दो ओवरों के बाद यकीनी तौर पर मैच वन साइड हो गया था। दोनों ही टॉप के प्लेयर वार्ड नंबर 25 से क्रीज पर मौजूद, बगैर किसी नुकसान के वार्ड नंबर 25 अपने हदफ की जानब आराम से गामजन। चौथे ओवर के चौथा ओवर अहतमाम के करीब स्कोर हो चुका है 87 हो गया और अभी एक बॉल रहती है चौथे स्कोर जीतने के लिए, 10 स्कोर चाहिए जीतने के लिए। अभी दो गेंदे दो ओवर बाकी हैं। अभी गुलफाम कासिम शाही आपकी टीम जीत के बिल्कुल करीब। वार्ड नंबर एक ने टॉस जीत के अगले मैच के लिए, एक नंबर ने टॉस जीत के 18 नंबर को बैटिंग की दावत दी है। अगला मैच एक नंबर वार्ड और 18 नंबर वार्ड का है और ये सिक्स लग गया है और तकरीबन ये जीत गए हैं। अगला मैच एक नंबर वार्ड और 18 नंबर वार्ड का है। व्यूअर्स जो पूछ रहे थे मैं उनको बता देता हूँ, ये मैच बंद करने के बाद मैं दोबारा उस मैच पे जब वो ऑन होगा इंशाल्लाह वो कोशिश करूँगा वो भी दिखाने की। वैसे मोबाइल मेरे की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो रही है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा वो मुकम्मल मैच आपको ज़रूर दिखाऊँ। चीफ ऑब्जेक्टिव साहब दादा उस्मान खालिद जिंदाबाद, मेन स्पॉन्सर है गवर्नमेंट डस्का प्रीमियर लीग के। खूबसूरत मैचेस, खूबसूरत क्राउड, बहुत देखने में आ रहा है। अब आपकी भरपूर पसीराई चेयरमैन बल्दिया भाजा तफला पाशी की एक खूबसूरत कोशिश अपनी नौजवान नस्ल को अवेयरनेस देने के लिए, खेलों के मैदान आबाद करने के लिए। अंपायर को क्रॉस किया, बॉल फेंकी और ये वाइट बॉल है। फिर बॉल इस ओवर में ही लगता है आपको जाना है स्कोर 6 या 7 स्कोर गालबंद रह गया। जीत के बिल्कुल करीब, जब तक मेरा मोबाइल चलता रहेगा इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता रहूंगा। अगर मोबाइल ही डेड हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा। 5वें ओवर का खेल जारी, पहली बॉल बहुत ऊंची छाड़ के लिए और ये कीपर ने कैच पकड़ लिया और छन्ना जो है आउट हो गए। अगर सलमान आखिरकार छन्ना आउट हो गए, लेकिन टीम को कुछ दिला दिया। बहुत वार्म वेलकम कर रही है क्राउड छन्ना को। बिल्कुल अली अल्ताफ भाई मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर कोशिश करूँगा, पावर बैंक भी लेके आया हुआ हूँ मैं, लेकिन वो चार्जी पे लगा हुआ है उस पर भी उसको उतारूँगा तो वो डेड हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा ये नेक्स्ट मैच भी आपको दिखाऊँ।
अभी 11 बॉलें बाकी हैं और दो स्कोर चाहिए जीतने के लिए. बैटिंग के लिए आए हैं. क्रिकेट बाय चांस है, कुछ भी हो सकता है. सुपरस्टार सुलेमान कप्तान. क्रिकेट बाय चांस है. दोनों टीमों के दरमियान मैच बड़ी टफ पोजीशन में. टफ और अच्छी शॉट. और ये फोर रन हो गए हैं. नहीं, कीपर पहुंच गए हैं. और इस तरह मैच जीत गए हैं वार्ड नंबर 25 वाले. और ये एंजॉय करते हुए आ रहे हैं तमाशा ही. ये मैच खत्म हो गया. नेक्स्ट मैच आपको जब वो शुरू होता है मैं दोबारा दिखाता हूँ. तब तक के लिए मुझे इजाजत दें. अल्लाह हाफिज़.